हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर सरायसनगर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग को टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन करते हैं। यानी कि जब कंपोजिशन का डीलर किसी रेगुलर डीलर से अगर वो गुड्स परचेज करता है तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, अगर कंपोजिशन का डीलर किसी कंपोजिशन डीलर से गुड्स परचेज करता है तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, अगर किसी कस्टमर को अगर गुड्स सेल करते हैं तो उसका इन्वॉइस किस तरीके से जनरेट होगा, अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी को अगर गुड्स सेल करते हैं तो उसका इन्वॉइस किस तरीके से जनरेट होता है, तो ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकल रूप से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से ये सब कुछ समझ में आ जाए और कंपोजिशन डीलर की टैक्स लायबिलिटीज कैसे बनती है और कंपोजिशन डीलर की जीएसटी रिटर्न कैसे तैयार होती है, ये सब कुछ भी आज हम प्रैक्टिकल रूप से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई नई टेलीविजी और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी नई नई वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कंपनी को क्रिएट करके ऑलरेडी रखा हुआ है बालाजी ट्रेडर्स के नाम से। तो सबसे पहले हम बालाजी ट्रेडर्स का जीएसटी को इनेबल करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेली के होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली पर रहते हुए कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F11 और F11 प्रेस करने के बाद हमें ट्रेजरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, इसे हम यस करेंगे और जीएसटी की डिटेल को भी हम यस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट पूछेगा, स्टेट हमारा राजस्थान रहेगा और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन टाइप ये ऑप्शन जो आ रहा है कंपोजिशन और रेगुलर, तो हमें कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग हम मेंटेन कर रहे हैं तो इसलिए हम कंपोजिशन को सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड, ये कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर में क्या डिफरेंस होता है इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें भी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सिलेक्ट करेंगे कंपोजिशन और इसे हम एक बार नो करेंगे और इंटर प्रेस करते हुए हम इसे एक बार सेव करेंगे और यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर देना पड़ेगा बालाजी ट्रेडर्स का, तो इसे एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा भी टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था भी अगर कोई ट्रेडर्स कि अगर कोई ट्रेडिंग का अगर कोई बिजनेस करता है कोई ट्रेडर्स है तो उसे अपना कंपोजिशन टैक्स है वो 1% देना होता है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है तो उसे जीएसटी के रूप में 2% का कंपोजिशन टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो रेस्टोरेंट का वर्क कर रहा है तो उसे 5% का जीएसटी उसे देना पड़ेगा और सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करता है यानी कि सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई कंपोजिशन में वर्क कर रहा है तो उसे 6% का कंपोजिशन फीस उसे देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर केवल ट्रेडर्स का बिजनेस हम कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 1% रखूँगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर तो आपको 2 रखना पड़ेगा, अगर आप रेस्टोरेंट का वर्क कर रहे हो तो आपको 5, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको यहाँ पे 6% का देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे 1% रखते हुए इसे मैं सेव करूँगा और एक्सेप्ट करूँगा और इसे भी मैं कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से हमने जीएसटी को इनेबल कर लिया है। तो अब हमारे पास ये 2 इनवॉइस है, अब एक है वीके एंड कंपनी का और दूसरा एक है जेड ट्रेडिंग कंपनी का। तो फ्रेंड्स, एक जेड ट्रेडिंग कंपनी है जो कि एक रेगुलर पार्टी है यानी कि रेगुलर स्कीम में ये रजिस्टर्ड है, हमने उससे गुड्स परचेज किए और उस पार्टी ने हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स है जो चार्ज किया है और हम इसकी एंट्री हमारे टैली में किस तरीके से करेंगे इसकी एंट्री हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग वाउचर पर हमें जाना होगा और परचेज वाउचर के लिए हमें परचेज वाउचर को सिलेक्ट करना पड़ेगा यानी कि F9 हम परचेज करेंगे और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम एक बार देंगे इसका जो कि 2458 और इसकी इनवॉइस की जो डेट है वो 12 सितंबर 2020 की है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसकी एंट्री हम 12 नो एंटर प्रेस करके हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पे भी हम 12 सितंबर करेंगे। अब पार्टी नेम में हमने जिया ट्रेडिंग से हमने गुड्स परचेज किया हुआ है तो जिया ट्रेडिंग कंपनी का हमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं शॉर्टकट लेजर के लिए Alt+C यूज करूँगा, तो जिया ट्रेडिंग कंपनी ये हमारे सप्लायर्स है इसलिए हम इसे रखेंगे सैंडरी क्रेडिटर्स में
और इंटर प्रेस करते हैं हम इसे, और रजिस्ट्रेशन टाइप इसका रेगुलर रहेगा क्योंकि ये रेगुलर पार्टी है। तो फ्रेंड्स हमें एक ध्यान रखना है, अगर कोई रेगुलर पार्टी है जिसके पास जीएसटी नंबर है, अगर उस इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी चार्ज हमें लग के आए तो वो रेगुलर पार्टी ही होती है। हम यहाँ पे इसे रेगुलर करेंगे और एक बार इसको जीएसटी नंबर को भी मैं स्किप करके इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से नेम ऑफ आइटम, जो गुड्स हमने परचेज किया है इस इनवॉइस के थ्रू, उसमें एक है टीवीएस का कीबोर्ड और एक है माउस डेल का। तो हम ये दो स्टॉक आइटम भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, और स्टॉक आइटम के लिए मैं यहाँ पे भी एल्ट सी प्रेस करूँगा। तो टीवीएस कीबोर्ड मेरा स्टॉक आइटम है, और ये मेरा कंप्यूटर्स के पार्ट है मेरे, तो मैं इसे कंप्यूटर पार्ट्स के नाम से मैं इसका एक ग्रुप इसका क्रिएट करूँगा मैं, और इंटर प्रेस करूँगा, और इसे मैं यूनिट में पीस रखूँगा, और उसके बाद में इसे जीएसटी इनेबल रखेंगे क्योंकि इस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगती है। तो जीएसटी को इनेबल करेंगे और जीएसटी डिटेल में से यस करेंगे, और उसके बाद इसका एचएसएन कोड भी हम डालेंगे 8471, और इस पर जो जीएसटी लगती है वो 18% का जीएसटी इस पर लगता है। तो 8471 हम यहाँ पर देंगे, और जो टैक्स लिबिलिटी है इसके अंदर हम टैक्सेबल करेंगे, हमें टैक्स का रेट कुछ भी नहीं देना है यहाँ पर, ये कितने परसेंट का प्रोडक्ट है, और इंटर प्रेस करेंगे, और इसकी जो क्वान्टिटी है वह 12 पीस, हम इसे 12 पीसेस में रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें विद जीएसटी, यानी कि जीएसटी इंक्लूड जो नेट अमाउंट होती है, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी जोड़ने के बाद वो अमाउंट यहाँ पर हम फिगर डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें कंपोजिशन डीलर को कोई आईटीसी का क्लेम नहीं मिलता, इसलिए उसे एसजीएसटी और सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 18,974.40 रुपये हम यहाँ पर इंटर करेंगे, 18,974.40 रुपये, और ये हमारी टैक्स पेड परचेज है। तो हम यहाँ पर भी एक लेजर क्रिएट करेंगे अंडर परचेज में, टैक्स पेड परचेज, और अंडर में रहेगा ये परचेज अकाउंट, और इसे हम यस करते हुए से ओनली एक बार सिर्फ टैक्सेबल में रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई से गुड्स कर देंगे। और इसी तरीके से हमारी जो सेकेंड आइटम थी माउस है, जो डेल के 14 पीस है, ये भी स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ये भी कंप्यूटर्स के पार्ट है, और ये भी मेरा पीस में सेल होएगा, इनेबल ईमेस यस करेंगे 8471, और ये भी टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो हम इसे भी एक्सेप्ट करेंगे, और क्वांटिटी इसकी 14 पीस है। अब इसका जो रेट रहेगा वो रेट हमें एक का रेट यहाँ पर, ये तो है इसका टैक्सेबल रेट, लेकिन हमें टैक्सेबल रेट नहीं डालना, जबकि इसकी जो नेट वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रखनी है 3964480, यानी कि 3964.80 रुपये, और ये भी टैक्स पेड परचेज है। तो यहाँ पर जो रेट आएगा वो विद जीएसटी ही आएगा। तो इस तरीके से 22,939.20 रुपये का ये इनवॉइस है जो बन चुका है, और ये इनवॉइस भी 22,939.20 रुपये का ही है। तो इस तरीके से हम इसको जो 20 पैसे वो हमारे राउंड ऑफ हम कर देंगे, अंडर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको रखेंगे, जीएसटी पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और 20 पैसे कम करने हैं तो -0.20, और इंटरप्रेस करते हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था अगर हम किसी रेगुलर पार्टी से अगर गुड्स परचेज करते हैं तो कंपोजिशन डीलर इसकी एंट्री किस तरीके से करेगा। और एक ये पार्टी है वीकेंड कंपनी, इसके पास भी जीएसटी नंबर है, लेकिन इसने इस इनवॉइस में कहीं भी किसी भी टाइप के कोई जीएसटी का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब इसने ये कंपोजिशन पार्टी है, क्योंकि कंपोजिशन पार्टी अपने सेल इनवॉइस पे किसी भी टाइप का जीएसटी है जो चार्ज नहीं कर सकता। तो इसकी एंट्री हम सेम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो इसी तरीके से सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो 3352 है, और ये 13-9 का बिल है, डेट हम इसको 13 सितंबर हम करेंगे, और इसका भी हम लेज़र क्रिएट हम करेंगे वीके एंड कंपनी, और ये भी हमारे सप्लायर है इसलिए हम इसे रखेंगे सेंट्री क्रेडिट्स में, और इंटरप्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इसे हम रखेंगे कंपोजिशन डीलर, क्योंकि वो कंपोजिशन डीलर से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, और इंटरप्रेस करते हैं इसे एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद इसमें जो स्टॉक आइटम है वो SPVGA केबल 8 पीस है, SPVGA केबल, ये भी कंप्यूटर्स के पार्ट है, और ये भी पीसेस में रहने वाले हैं, और ये भी टैक्स के प्रोडक्ट हैं, तो इसे भी टैक्सेबल में हम रखेंगे, और
8 पीस है और इसकी 1080 रुपये नेट अमाउंट है, और यहाँ पर भी हम 1080 रुपये ही देंगे और ये भी टैक्स पेड की परचेज है। तो इस तरीके से इसकी जो सेकंड आइटम है वह SB कीबोर्ड 5 पीस है 2300 रुपये के। इसमें रहेगा और क्वांटिटी के 5 पीस और इसका हम 2300 अगर नेट रुपये नेट अमाउंट इसके अगर हम इंटरप्रेस करेंगे तो एक का रेट है जो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर टेली है जो दे देगी 460 रुपये पर पीस का रेट, और ये 135 रुपये जो पर पीस का रेट वही हमें यहाँ पे इस इनवॉइस में भी श्योर है। तो इस तरीके से हम इसे इनवॉइस के बारे में इंटरप्रेस करते हैं, इसकी एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो हमारी अगर हम रजिस्टर्ड अगर कंपोजिशन डीलर से अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो, और ये अगर हम किसी कस्टमर को अगर हम सेल करेंगे सेम ही प्रोडक्ट तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और अब इसके लिए हम सेल वाउचर पे जाएंगे। तो अब जैसे हम कि कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, एक कस्टमर मैं बना रहा हूँ अनरजिस्टर्ड का, जैसे रमेश कुमार मैंने कस्टमर का नाम ले लिया, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ये मेरे लिए सेंडी डेटर्स रहेगा और इंटरप्रेस करूँगा मैं, और यहाँ पर इसे मैं अनरजिस्टर्ड में रखूँगा रजिस्टर्ड टाइप में। अगर इसी तरीके से अगर मैं किसी प्रोडक्ट को अगर यहाँ पर मैं सेल करता हूँ HP कीबोर्ड, अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ मैं, तो जैसे इसका रेट है जो मैं 2 पीस सेल कर रहा हूँ और 600 रुपये इसका पर पीस का रेट इसे मैं सेल कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर हमें सेल का एक लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा टैक्स पेड सेल, क्योंकि ये जो सेल है ये टैक्सेबल प्रोडक्ट के हम सेल कर रहे हैं। अब तो इसी तरीके से हमारे पास ये कोई टैक्स फ्री के भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो हमें एक टैक्स फ्री सेल का भी एक लेज़र क्रिएट हमें करना पड़ेगा, और इसी तरीके से कोई और आइटम भी हो सकती है, SB वीजी केबल भी हो सकती है 2 पीस, और ये भी 500 रुपये की, और ये भी हमारी टैक्स पेड की सेल है। तो इस तरीके से टोटल ये 2200 रुपये की सेल हमने इस अनरजिस्टर्ड कस्टमर को हमने कर दी है। तो इसी तरीके से दो नंबर कस्टमर हमारे पास हो सकते हैं, मुकेश कुमार एंड कंपनी, ये भी हमारे लिए सैंडी डेप्टर रहेंगे, और ये है जो रेगुलर पार्टी है, यानी कि ये रेगुलर में रजिस्टर्ड है। तो अगर इसे हम सेल करते हैं इस प्रोडक्ट को, जैसे TVS का कीबोर्ड हमने 2 पीस इसे सेल किए हैं और एक का जो रेट है वो 2000 रुपये है, तो इस तरीके 4000 रुपये की सेल कर दी और ये भी टैक्स पेड सेल में रहने वाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर हम एक बार देखें तो ये टोटल हमने 26,319 रुपये और 20 पैसे के हमने गुड्स को परचेज किया हुआ है और 6200 रुपये का सेल हमने कर दिया है। तो अब जो कंपोजिशन का जो डीलर होता है वो अपने टोटल सेल पे 1% का टैक्स डिपॉजिट करवाता है। तो हम टैक्स की रिटर्न सबसे पहले हम इसकी एक बार रिटर्न हम देख लेते हैं, तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे और उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट पर हम जाएंगे, GST पे जाएंगे और रिटर्न्स पे जाएंगे, और इस तरीके से अगर हम GSTR 4 या हम CMP 08 कुछ भी देख लो, जैसे GSTR, तो हम यहाँ से एक बार पीरियड हम देंगे, तो इस तरीके से ये टोटल जो 6200 रुपये की जो सेल है ये हमें यहाँ पर शो कर देगा टैक्सेबल वैल्यू, और इसकी जो टैक्स की जो अमाउंट है वो 6200 रुपये, यानी कि 6200 रुपये का 1%, और यहाँ अगर हम देखें तो टैक्सेबल एट द रेट 1%। तो इस तरीके से ये जो टोटल जो कि सेल पे 6200 रुपये का जो इस कंपोजिशन डीलर को ये गवर्नमेंट को पेड करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें भी इसका इनवॉइस जनरेट होगा वो किस तरीके से होएगा, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो जैसे इसको हम देख लेते हैं और LP करके हम इसका प्रिंट प्रीव्यू हम देखते हैं, तो जब भी हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरीके का ये इनवॉइस बनेगा, जिस तरीके एक सिंपल इनवॉइस बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो भी TVS प्रोडक्ट का नाम है, HSN कोड है, इसके जो फीस है और इसकी जो पर रेट 4000 रुपये आ रहे, लेकिन इसका जो इनवॉइस है और इनवॉइस के हेडिंग पे एक ये वर्ड जरूर लिखा होता है बी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाइज, यानी कि ये जो इनवॉइस देने वाला है ये कंपोजिशन का पर्सन है और ये अपने इस सप्लाइज ऑफ, यानी कि जो बिल ऑफ सप्लाई, ये जो टैक्स इनवॉइस आपको जो दे रहा है बिल ऑफ सप्लाई का, इस पर टैक्स जो कलेक्ट नहीं कर सकता 1% का, जो यहाँ पर आपसे 4000 रुपये लेगा और 4000 रुपये ये 1% आप पे टैक्स नहीं लगा सकता। इस पे जो 4000 रुपये के जो 1% का टैक्स लगेगा वो इस पार्टी को यानी कि बालाजी ट्रेडर्स को अपने पॉकेट में से गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर भी आप जरूर कर देना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।